हेलो एवरीवन, नीलम की रेसिपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ अरबी के पत्ते की बहुत ही टेस्टी सब्जी। हो सकता है आपने ऐसा नहीं खाया हो। इसमें बिल्कुल फिश के फ्लेवर आते हैं और बहुत ही देखने में ये बिल्कुल फिश की तरह लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बनाना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ लिया है अरबी के फ्रेश पत्ते और इसके पीछे साइड के ये जो डंठल है उसे हम काट के हटा लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम तैयार करेंगे बटर एक। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बोल बेसन और इसको पानी के हेल्प से अच्छी तरह इसको जो एक स्मूथ सा घोल तैयार करेंगे। इसके लिए एकदम बिल्कुल नॉर्मल सा वाटर लेंगे हम और इसे इस तरह अच्छी तरह फैलाते हुए, न ज़्यादा थिक पेस्ट बनाएंगे न ज़्यादा थिन, बिल्कुल अच्छा सा एक बनाएंगे जिससे कि जो हमारा पत्ते पर डाले इस पेस्ट को तो वो नीचे नहीं गिरे। इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, टर्मरिक पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट थोड़ा सा और सॉल्ट, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चलिए हम तैयार करते हैं। एक अरबी के पत्ते को लेंगे और इसे अच्छी तरह इस तरह फैला लेंगे और ये जो बटर हमारा तैयार है उसे इस तरह स्पून के हेल्प से धीरे धीरे करके फैला लेंगे। जो बेसन है हमारा, इससे पेस्ट है, इसको बहुत थिक नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो फ्लेवर हमारा है वो चेंज हो जाएगा। तो एक पतली पतली लेयर आप इस पे ऐड करती रहें और पत्तियों को इस तरह ऐड करें ताकि जब हम इसे रोल करें तो कहीं से भी पत्तियाँ टूटे नहीं और अच्छी तरह रोल हो जाएँ। तो वन बाई वन करके इस तरह हम इसका तैयार कर लेंगे लगा के पेस्ट। ये देखिए, एकदम अच्छे से देखते रहिए कि मैंने किस तरह पत्तियों को ऐड किया है इसमें। ये देखिए, और इसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करेंगे क्योंकि पत्तियां जो है चार से पांच पत्तियां ही आप ऐड करें एक साथ। तो ये देखिए, और इसको पीछे साइड से यहाँ हम फोल्ड कर लेंगे क्योंकि जो पानी है इसे जब हम बॉयल करें तो पानी अंदर तक नहीं जाए, जैसे कि जो हमारा बेसन है वो घुल के बाहर आ सकता है। तो इसे अच्छी तरह इस तरह रोल करते हुए फोल्ड कर ले धीरे धीरे करके इस तरह, आप देख सकती हैं। और इसको अच्छी तरह बिल्कुल चिपका लेंगे और इसको सिक्योर करने के लिए धागे से इसको बांध लेंगे। तो आप किसी भी धागे से, पतले से धागे से बांध, तो ये मैंने ये धागा लिया सिलाई करने वाला और इसको अच्छी तरह सिक्योर कर लूँगी इससे, और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको सिक्योर करें क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट बांधेंगे तो ये बीच से फट भी सकता है पत्ता जो हमारा है। तो बिल्कुल धीरे धीरे करके इनको सिक्योर करेंगे। इस तरह आप देख सकती हैं जिस तरह मैंने किया है इस तरह, और इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, अब एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे। पानी की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि जो हमारा बेसन का बना हुआ है वो अच्छी तरह इसमें डीपली मतलब डीप हो जाए। तो इसे फुल फ्लेम पे 5 मिनट तक बॉयल करेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो आप इसे कवर भी कर सकती हैं जिससे कि ये जल्दी पक जाए। तो 5 मिनट तक मैंने बॉयल कर लिया है, मैंने इसे हटा लिया है और जो हमारी ये मैंने धागे से सिक्योर किया था, जब ये हमारा गर्म रहे तो ही धागे को बाहर कर लेंगे क्योंकि सूखने के बाद जो धागा हमारा है पत्तों से चिपक जाएगा। तो फिर अगर धागा जो है आप बाहर करेंगे तो साथ में पत्ते भी बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए, अब ठंडा होने के लिए इन्हें पंखे के सामने हम रख लेते हैं। तब तक चलिए जो हमारा सब्जी है उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल यूज़ किया है और ये लिया है मैंने येलो मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड था इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, जीरा, साबुत लाल मिर्च और ये अनियन, इसका बनाएंगे। इसको अच्छी तरह तरेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो तो बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, कलर चेंज हो गया। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें, और मैं 3-4 मैंने टोमेटो की प्यूरी बना ली है क्योंकि इसमें टोमेटो सबसे मस्ट है। तो 3-4 टोमेटो की प्यूरी इसमें हम बना लेंगे और ये जो हमने बनाया था आपको राई का ये पेस्ट वो इसमें ऐड किया है। और अब इसमें येलो राई ही यूज़ होता है, उसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और ये मैंने टोमेटो की जो प्यूरी बनाई है उसे भी ऐड कर लेंगे। इसमें मैंने 3-4 टोमेटो लिया है क्योंकि ये अरबी के पत्ते जो हैं उसे खाने से खुजली होती है, तो इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल फिश टाइप से बनाना है तो ये अच्छा रहेगा। इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे
ये मैंने जीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया है, ये है धनिया पाउडर, ये थोड़ी सी टेस्ट अनुसार आप लार्ज मिर्च का पाउडर ऐड कर सकती हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे अब पकाएंगे हम 5 से 7 मिनट। इस मसाले को अच्छी तरह हम पका लेंगे, ये देखिए, लेकिन इसे 1-2 मिनट अभी और पकाएंगे, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, खुशबू अच्छी आ रही है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, पानी आप ज़्यादा थिक इसका घोल नहीं बनाए, ज़्यादा थिन नहीं बनाए, अच्छी तरह पानी इसमें आप डालें। ये देखिए अब इसमें ढेर सारा धनिया का पत्ता हम ऐड करेंगे, क्योंकि धनिया का पत्ता डालने से जो फ्लेवर है अच्छे आते हैं बिल्कुल। तब तक जो हमारा सूखने के लिए अरबी के पत्ते हैं उसको हम कट करके पीसेस पीसेस बनाएंगे इसके, और पीसेस बिल्कुल इस तरह बनाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, इस टाइप के पीसेस बना के और उनको हम तल लेंगे, इनको डीपली फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह ऑयल आप इतना लें ताकि जब हम अरबी के पत्ते का ये डालें तो वो बिल्कुल डीप हो जाए, तभी ये अच्छी तरह ब्राउन हो पाएगा। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक से अच्छी तरह पका लेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल फुल रखेंगे, जिससे कि ये जो हमारे पत्ते हैं अगर लो फ्लेम पे आप पकाइएगा तो ये टूटने लगेंगे, इसलिए फ्लेम बिल्कुल गैस का फुल चाहिए। और इसे अच्छी तरह आप हिला के और पकाइए, ये देखिए अच्छी तरह इन्हें हम पका लेंगे, और धीरे धीरे करके आप इनको चलाती रहिए ताकि ये जले नहीं बिल्कुल। वेरी गुड, ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम तेल से बाहर कर लेंगे एक एक करके इस तरह। अब बाकी जो बचे हैं उन्हें भी हम तल लेंगे, एक एक करके डाल लेंगे सभी को। इसका फ्लेवर जो है बिल्कुल फिश तरह, इसका लुक भी बिल्कुल फिश की तरह आता है। ये देखिए हमारा ग्रेवी तैयार है, और जो हमने तला है अरबी के पत्ते की सब्जी, ये सॉरी उसे बड़े उसे मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए। और इसे लो फ्लेम पे मैं 2 से 3 मिनट पका लूँगी ताकि जो हमारा अरबी का पत्ता है वो अच्छी तरह इसमें मिल जाए। ये देखिए अब बिल्कुल तैयार है, ग्रेवी भी तैयार है। चलिए अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। वाओ, ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना यमी लग रहा है। तो बस आपको मेरी अरबी के पत्ते की सब्जी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।